सारे शोहदा से लानत भेजता हूँ, जियाउल हक के पैदावार वो मलून। अस्सलाम वालेकुम। पीओके में पाकिस्तान सेना प्रमुख की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सारे शोहदा से लानत भेजता हूँ, जियाउल हक के पैदावार वो मलून। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सेना और सरकार को आवाम की खुलेआम चुनौती। जब राणा सनाउल्लाह जैसे आलमी शोहरत याफ्ता दहशतगर्द जमान पारे के अंदर बैठे हुए गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को दहशतगर्द करार दे रहा था, उस दिन आपको सोचना चाहिए था, जाग जाना चाहिए था। आवाम का गुस्सा देख दहल उठेगी सरकार। उसमें तमीज नहीं कर सकता तो हम भी पाकिस्तान के बारे में नजरसानी करने पर मजबूर होंगे। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के बाद पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत की आवाज उठ चुकी है। गिलगित बाल्टिस्तान के तेज तर्रार नेता शेख हसन जौहरी ने पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ की सरकार को खुलेआम चुनौती दी। नेता शेख हसन जौहरी ने पाकिस्तान सरकार और सेना को खूब ललकारा, यहाँ तक कि पाकिस्तान सेना प्रमुख को जमकर धुतकारा और गाली तक दे दी। अगर आपने नहीं सुना तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। कुछ लोग आके नाक कान पकड़ के अपने गन बेच सकता हो, वहाँ पे आप किसके क्या उखाड़ सकता है। गिलगित बल्चिस्तान वाले अब क्या चाहते हैं, ये एक हसास नुक्ता है। मैं ये बयान करके आपके जहमत को तमाम करना चाहता हूँ। देखा आपने कैसे भड़के हुए हैं शेख हसन जौहरी। हालांकि वो इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने सरकार को भी खूब धुतकारा। जब राणा सनाउल्लाह जैसे आलमी शोहरत याफ्ता दहशतगर्द जमान पारे के अंदर बैठे हुए गिलगित बल्तिस्तान के जवानों को दहशतगर्द करार दे रहा था, उस दिन आपको सोचना चाहिए था, जाग जाना चाहिए था। इस मुल्क के वजीर दाखिला मलहून सनाउल्लाह, हम तुम सबको बताना चाहते हैं, जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं हो, अदल इंसाफ नहीं हो, मसावात नहीं हो, मवाखात नहीं हो, रहम करम नहीं हो, गिलगित बल्तिस्तान वाले अपने आइंदे के लाए हैं अमल बहुत जल्दी करेंगे। मुल्क को लूटा जिन्होंने, अपने माँ के जनाजे को पार्सल किया जिन्होंने, अपने शरीर के हयात के जनाजे को डाखाने के जरिए पाकिस्तान भेजा, उसमें तमीज नहीं कर सकता तो हम भी पाकिस्तान के बारे में नजरसानी करने पर मजबूर होंगे। सारे शोहदा से लानत भेजता हूँ, जियाउल हक के पैदावार वो मलून। अस्सलाम वालेकुम। खैर, शेख हसन जौहरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। उसे देखकर अब ये साफ हो गया कि ये लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।